हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम थे वो क्या क्या हैं, वो कौन से इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं, उनको हम लोग आज प्रूफ भी करेंगे। कैसे प्रूफ करना है इसकी ये भी जानकारी करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो डेरिवेटिव वाला जो टर्म है, जो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन है, वो हमारा एकदम क्लियर हो जाए। वेक्टर डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे उन दोनों डेरिवेटिव से, या कहें वेक्टर डिफरेंशिएशन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीजें आज के क्लास में आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, डेरिवेटिव वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अपना कॉपी पेन जरूर साथ में रखिएगा, जिससे कि जो भी टॉपिक आपको बताए जा रही हैं उसको लिखते रहिए। एट द एंड ऑफ आपके इस यूनिट के एंड में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको टॉपिक का नाम तो पता ही चल गया, आज मेरा इस यूनिट में लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पहला थ्योरम देखते हैं कि पहला थ्योरम क्या है। तो पहला थ्योरम है फॉर अ वेक्टर, ये वेक्टर फंक्शन है। जैसा कि मैंने बताया था कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है, ए वेक्टर और ए वेक्टर टी किसी स्केलर वेरिएबल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर टी आपका चेंज होता है तो पूरा वेक्टर भी आपका चेंज होता है। ठीक है, तो वही रूल वही वेक्टर यहाँ पे लिखा गया है, ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना है हमको कि a vector dot da by dt = a dot da by dt। मतलब कि जब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसमें इसका अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू के वैल्यू डॉट उसकी वैल्यू का डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमको पता है, पहले लेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर हम लोग करते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उस वेक्टर का क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। उसी वेक्टर का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर दोनों सेम वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दोनों सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, d by dt यहाँ पे a dot a वेक्टर रहेगा, ये इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d by dt of a square। ठीक है, अब इसी दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग जानते हैं कि मैंने कल आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में आपको दो डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी का मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो डेरिवेटिव वहां पे अप्लाई होगा वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाले रूल से ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड मानकर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा तो ए वेक्टर को छोड़ के डी ए वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले ए वेक्टर को लिखेंगे और डी ए बाय डी टी हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इस फर्स्ट वेक्टर का। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डी
ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और लास्ट में डी ए बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस इसमें करना क्या है कि नॉर्मल तरीके से हमने a वेक्टर डॉट a वेक्टर की वैल्यू a स्क्वायर ले लिया और इसी को दो एक बार हम लोग को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये टर्म इतना ऐसे निकल कर आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए वेक्टर यहाँ पे है, डी ए बाई डी टी है तो डी ए बाई डी टी यहाँ पे दोनों वेक्टर को प्लस करेंगे तो 2a वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, 2a वेक्टर डॉट डी ए बाई डी टी आ जाएगा। डी ए बाई डी टी इक्वल टू इधर भी आपका क्या है, 2a डी ए बाई डी टी है, यहाँ पे भी 2a डी ए बाई डी टी है, तो यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा a वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ए डॉट डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाते हैं, उसी वेक्टर के डिफ्रेंसिएशन के साथ, तो वो वेक्टर आपका चेंज होके मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। मतलब उस वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड होगा इनटू उस मैग्नीट्यूड का जितना डिफरेंशिएशन होगा वो कर देंगे तो वो हमारा रिजल्ट बता देगा। ठीक है, क्या करना है कि जो हमारा कोई वेक्टर हमने मान लिया, कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, तो आपको क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। देखिए कोई भी बी वेक्टर आप मान लीजिए कि ए वेक्टर, आपको ए वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से a वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। अब हमको ये बोल देगा कि ये वाला रूल अप्लाई करिए, तो रूल जब अप्लाई करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर का क्या करेंगे, ये वेक्टर हमको दिया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, डी ए वैक्टर बाई डी टी के साथ करेंगे। इसको इसका डेरिवेटिव हम लोग पहले निकालेंगे। कंपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, कल वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकलता है। तो कंपोनेंट का करेंगे तो डी यहाँ पे वन है तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ जे कैप हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी टी टू आपका कॉन्स्टेंट है, d by dt of k cap हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट का डेरिवेटिव मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, तो वहां से आप इस कंपोनेंट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और डेरिवेटिव निकालने के बाद इसी वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ये आप क्वेश्चन लगा के भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला थ्योरम आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको a डॉट a वेक्टर की वैल्यू आपको a स्क्वायर आ जाएगी तो बस दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये था हमारा पहला थ्योरम जो कि आपको कई क्वेश्चंस में आपके यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या है, इफ अ वेक्टर a वेक्टर t हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या कह रहा है कि a वेक्टर t हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देन a वेक्टर डॉट da वेक्टर बाय dt इक्वल टू 0 और तब उसका रिजल्ट, अगर आपका a वेक्टर t आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड देता है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा a वेक्टर डॉट da वेक्टर बाय dt का वो 0 मिलेगा और उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है da वेक्टर बाय dt, प्रोवाइडेड दैट d मॉड ऑफ da वेक्टर बाय dt नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं। देखिए पहले एक वेक्टर मान लीजिए कि a वेक्टर है at के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है इसका कॉन्स्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट है तो यहां से a डॉट a वेक्टर अगर लिखेंगे तो
तो ए डॉट ए वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, ये पहले तो ए स्क्वायर आ रहा था, ए डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आ रहा था, ए स्क्वायर आ रहा था अभी पीछे मैंने देखा, ठीक। अब यहाँ पे जब ये ए स्क्वायर के बराबर आ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो ए है ये आपका कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड को ही तो शो कर रहा है, इस पे तो कोई वेक्टर लगा नहीं है, तो ये केवल ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड क्या है, कॉन्स्टेंट है। फिर आपसे कह रहा है कि जब ये कॉन्स्टेंट है तो हमको ए डॉट डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, और हेंस और तब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए वेक्टर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है डी ए, डी मतलब उसी वेक्टर के डिफरेंशिएशन के परपेंडिकुलर है, जो नया वेक्टर डेरिवेटिव निकालने पर मिलेगा उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, देखिए कैसे होगा। अब ये चीज तो हमको पता हो गई कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कॉन्स्टेंट दिया है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब यहां पे टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डी बाय डी टी आपका पहले लग जाएगा, और इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आपका वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है, ये बात तो आपको पता होगी ही, ठीक है। तो यहां से अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वही नॉर्मल रूल, फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे, तो ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बाय डी टी, और प्लस आपका सेकंड को छोड़कर आपका क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, तो डी ए वेक्टर बाय डी टी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा, यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, हम चाहे तो ए वेक्टर को आगे भी लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि ए डॉट बी आपका ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके आपको बताई थी फर्स्ट यूनिट में, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होगी। तब दोनों को प्लस करेंगे तो 2a वेक्टर da by dt लिखा जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यहां से 2 को इधर लेके चले जाएंगे तो यहां से ये पूरा पार्ट जीरो आ जाएगा, तो da वेक्टर by dt इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये तो प्रूफ हो गया कि जब इस वेक्टर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तब ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बाय डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ठीक है, तो ए डॉट डी ए वेक्टर बाय डी टी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के बराबर आएगी। तो ये तो आपका प्रूफ होके आ गया, यहां पे मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अभी एक लाइन और कह रहा है कि हेंस ए इज परपेंडिकुलर टू डी ए बाई डी टी प्रोवाइडेड दैट मॉड ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा डी ए बाई डी टी के, डी ए वैक्टर बाई डी टी के, जो ये दोनों हैं ए वेक्टर और डी ए वेक्टर बाय डी टी, जो दोनों वेक्टर हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे परपेंडिकुलर रहेंगे, देखिए हमने आपसे कहा था कि दो वेक्टर, अगर यहाँ पे दो वेक्टर आपस में क्या रहते हैं, आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है इस तरीके से, परपेंडिकुलर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला अगर लगाएंगे ए डॉट बी का, तो क्या होगा, ए डॉट बी कॉस और कॉस, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो गई। तो मतलब जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं
तो वो वैल्यू क्या आती है, उनका उनकी वैल्यू जो आती है वो जीरो के बराबर होती है। जो ये वाला जो मैंने सर्कल किया है, ये फॉर्मूला ही यही बता रहा है, ठीक है। तो मतलब ए वेक्टर आपके क्या है, ए वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हो गए डीए वेक्टर बाई डीटी के, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपका प्रूफ हो गया कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर रहेगा डीए वेक्टर बाई डीटी के, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें करना क्या है कि हमको एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड हमको कांस्टेंट लेना है, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लेना, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला जब प्रूफ हो गया, जब ये वैल्यू जीरो के बराबर आ गई, तो मतलब ये परपेंडिकुलर को शो कर रहे हैं। जब दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू जीरो आए, मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी देखिए कितना यूज है, जितने भी प्रॉपर्टी थे आपके डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में, जितने भी प्रॉपर्टी थे वो सारा हर जगह यूज हो रहा है लगभग, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट जिसका क्लियर रहेगा वही ये सारी चीजें समझ पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है आपका, द वेक्टर एटी हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस डीए बाय डीटी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि द वेक्टर एटी हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, अगर ये ए वेक्टर टी जो है, जो हमारा वेक्टर फंक्शन है, अगर उसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन होगा तो उसकी वैल्यू जो है, ये जो ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस डीए वेक्टर बाय डीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए कैसे प्रूफ करना है, इसको कैसे प्रूफ करना है, देखिए क्या करना है। पहले हम लोग को पता है कि मान लेते ए कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ए वेक्टर की यहां से वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर की वैल्यू आपकी ए डॉट ए कैप आ गई, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए वेक्टर बाय डी टी, और यहां पे डी बाय डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, ए डॉट ए कैप, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे d by dt ऑफ क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो यहां से आपका क्या है, यहाँ पे a डॉट d a कैप by dt हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका d a by dt, और सेकेंड वाला आपका उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस आपका आपका फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू आपका क्या रहता है, सेकेंड टर्म, उसी तरीके से छोड़ देते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाला मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज करना है, यहाँ पे दोनों तरफ ए क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देना है, ए क्रॉस का प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए क्रॉस डी ए बाई डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी लिखेंगे इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें पूरे में ए क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वेक्टर क्रॉस का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट डी ए कैप बाई डी टी, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी इंटू ए कैप, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है।
अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे ए क्रॉस को अंदर लेके जाएंगे, ये ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इसी की वैल्यू हमको चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ ए क्रॉस की ए क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए क्रॉस का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए तो आपका कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, डी ए कैप यहाँ पे डी ए कैप बाई डी टी के साथ हो जाएगा। यहाँ पे ए को हम लोग बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बस इसके साथ होगा, ये वाले प्रोडक्ट के साथ होगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर है, अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पूरा आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी ए बाई डी टी इंटू ए कैप, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे जो डी ए बाई डी टी है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी ए बाई डी टी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए कैप का, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए कैप का आपका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, कैसे हुआ, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, ए का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, जब ये फिर अंदर गया तो फिर ए कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, नॉर्मल यही मैंने अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाय डी टी इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, आप इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए वेक्टर है आपका, तो यहां से ए कैप की वैल्यू हमको पता है, तो यहां से एक और फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए कैप बराबर क्या है, ए वेक्टर अपॉन ए है, अब यहां से हमको फॉर्मूला चाहिए ए डॉट ए वेक्टर का फॉर्मूला चाहिए, तो यहां से ए डॉट ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट, अब अगर हम लोग ए की वैल्यू बस लिख देते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर अपॉन ए कैप के बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए कैप के बराबर हो जाएगा यह वैल्यू, ठीक है, तो ए वेक्टर अपॉन ए कैप यहाँ पे ए की वैल्यू रख सकते हैं या ए वेक्टर की वैल्यू हम लोग ए डॉट ए कैप रख सकते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़िए, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत अप्लाई करिए, ठीक है, यहाँ पे करना क्या है आपको, बस सीधे से आपको ए डॉट ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख, ए वेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, ए डॉट ए कैप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए आपका पहले से ही है, या तो मैं करके ही दिखा देता हूं, ठीक, तो यहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए डॉट ए कैप है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था डी ए कैप बाय डी टी के साथ, और यहाँ पे क्या है, ये देखिए अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो के बराबर होती है। हमने आपको बताया था कि अगर आई यूनिट वेक्टर है, अगर इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसी का निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो के बराबर आती है, ये तो आपको पता ही होगा, तो उससे आपका ए वेक्टर क्रॉस ए कैप वेक्टर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करवाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक, जीरो की वैल्यू, या तो आप ए कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे डी ए बाई डी टी आपका इसी तरीके से रहेगा, और यहाँ पे ए कैप का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, या तो आप रख दीजिए कि ए वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए ए डॉट ए कैप, तो ए डॉट ए कैप क्रॉस ए कैप, ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, हमने क्या किया, दोनों में बस ए वेक्टर की वैल्यू यहां से लाकर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। जो ये वाला टर्म आपका मिला था, ये आपका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी ए स्क्वायर डॉट आपका क्या हो जाएगा, ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी आपका हो जाएगा। ठीक है, वो तो पूरी वैल्यू आपकी जीरो के बराबर हो गई। ठीक, तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी हो गया, और किसी कैप वाले वेक्टर का यहाँ पे एक चीज रुकिए, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मली बस यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद नॉर्मली हमने क्या कर दिया, ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो जिससे हमारा ये वाला इक्वेशन मिला। तो अब हमको पता है कि ए वेक्टर के पास जो डायरेक्शन होता है, ए वेक्टर इसमें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस थ्योरम में दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, इस थ्योरम में आपको दिया हुआ कि ए वेक्टर टी हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। तो जब ए वेक्टर के पास आपके पास कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो आपका ए कैप के पास भी कांस्टेंट डायरेक्शन होगा। ठीक है, ए कैप के पास भी ये आपका क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और जब ए कैप डायरेक्शन के पास कांस्टेंट होगा, तो यहां पे जो आपका क्या दिया हुआ है, यहां पे डी ए कैप बाई डी टी का भी जो डायरेक्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जब कांस्टेंट है तो डी ए कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। हमको पता है कि ए वेक्टर का डायरेक्शन जो दिया हुआ है कांस्टेंट, तो ए कैप का भी डायरेक्शन जो होगा कांस्टेंट होगा। और जब इसी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है, तो डी ए कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे a क्रॉस da by dt को हम लोग क्या लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस da वेक्टर by dt को हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर पहले है, ठीक है, और यहां पे a कैप की वैल्यू कांस्टेंट है, और इसके साथ आपका क्या था यहां पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट था da कैप by dt के साथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो डी ए कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहां से आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर हो जाएगा, और यहां से आपका जीरो आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, जो कि हमको प्रूफ करके दिखाना था कि अगर कोई वेक्टर उसका अगर डायरेक्शन हम लोग कांस्टेंट कर दें तो ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बाय डी टी की जो वैल्यू आएगी वो जीरो वेक्टर के बराबर आएगी। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ये भी वेक्टर का एक टाइप होता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसको भी आप लोग, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और IAAF का मतलब क्या होता है कि इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाय डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब IAAF का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ,
इफ एंड ओनली इफ होता है। ठीक, यहां से अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की चल। हाँ, नेक्स्ट आपका थ्योरम तो यही तीन थे आपके जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। अब इसके बाद हम लोग दो तीन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, क्वेश्चंस और आपके दो फॉर्मूले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उनका क्या फॉर्मूला होता है या उसको कैसे प्रूफ करेंगे डेरिवेटिव के साथ, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ ए वेक्टर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी सो दैट, हमको शो करना है कि डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू। ठीक है, तो आइए करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें करके देखिए हम लोग को क्या दिया है, एल एच एस यहां से ले लेते हैं, एल एच एस में वैल्यू क्या पता है हमको, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाई डी टी है और यही हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हमको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाएंगे, वही डिफरेंशिएशन वाला क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने फॉर्मूला कल बताया था आपको। तो यहां से ए वेक्टर को छोड़ के आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी ऑफ डी ए वेक्टर बाई डी टी और यहां से प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा, ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर बाय डी टी और यहां से क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा डी ए वेक्टर बाय डी टी। ठीक, तो यही था आपका। अब देखिए क्या है, अब ये जो आपका है ए वेक्टर यहां पे जब ये डी बाई डी टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा डी टू ए वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। और यहाँ पे ये दोनों वेक्टर देखिए आपस में क्या है, सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दोनों सेम वेक्टर है मतलब आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल हम लोग क्या जानते हैं कि ये देखिए आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होती है। और अगर हम लोग दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, अगर ए ही वेक्टर लेते तो ए क्रॉस ए वेक्टर दोनों वेक्टर सेम लेते तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाते, पैरेलल हो जाते। तो पैरेलल वेक्टर जब भी होते हैं तो उनकी उनका जो एंगल होता है वो जीरो होता है, तो साइन जीरो के वैल्यू जीरो होती तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का, या तो आप आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप हमने बताया था उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं सेम हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उनकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी, तो ये पूरी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी और डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बाय डी टी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया आपका, एक दो लाइन का है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं आपको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस d2 a वेक्टर अपॉन dt2 आ जाएगा, ये दोनों प्रूफ हो गया, दोनों साइड आपका RHS के बराबर हो गया। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी फॉर्मूलों को प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले भी आपके इंपॉर्टेंट है, या आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दोनों प्रूफ पूछ सकता है कि डी ए बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, इसको प्रूफ करके दिखाई, सो दैट आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी बना के दे सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्रूफ पहले करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी है, वही नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाला डॉट प्रोडक्ट वाला पहले रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ए डॉट हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ किसका हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का हो जाएगा यहां से, और प्लस आपका क्या हो जाएगा,
यहां से डी डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, और यहां पे डॉट आपका बी क्रॉस सी उसी तरीके से रहेगा, ठीक है, बी क्रॉस सी आपका उसी तरीके से रहेगा। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब इनको बी क्रॉस सी वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट इसको बाहर ही रहने देते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से आपका बी वेक्टर को छोड़ के सेकेंड का डेरिवेटिव डी सी वेक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा, और प्लस आपका यहां पे डी बी वेक्टर अपॉन डी बी वेक्टर अपॉन डी टी, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्रॉस सी वेक्टर आपका उसी तरीके से निकल जाएगा, और प्लस इधर क्या आया था, डी ए वेक्टर बाय डी टी बी क्रॉस सी, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे ए वेक्टर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर बाय डी टी, या इसको एक ब्रैकेट में भी कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो अलग कर लेते हैं, ठीक। यहां पे ए डॉट का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए डॉट डी बी वेक्टर बाय डी टी और क्रॉस सी वेक्टर, और प्लस आपका क्या है, डी ए वेक्टर बाय डी टी और यहां पे बी क्रॉस सी, ठीक है। कितना इजीली ये वाला फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, ठीक। तो यही था ना फॉर्मूला, में देख लीजिए यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे डॉट रहेगा, तो ए डॉट बी क्रॉस डी सी वैक्टर बाय डी टी फर्स्ट टर्म आपका, सेकेंड टर्म ए डॉट डी बी वैक्टर बाय डी टी क्रॉस सी वैक्टर, तो ए डॉट डी बी वैक्टर बाय डी टी क्रॉस सी वैक्टर, इसी तरीके से डी ए वैक्टर बाय डी टी डॉट बी क्रॉस सी वैक्टर, तो यहाँ पे डी ए वैक्टर बाय डी टी बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर आपका सेम फॉर्मूला है, दोनों प्रूफ हो गया। इसी तरीके से इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है, इसको प्रूफ करना है, वही फर्स्ट सेकेंड वाला रूल लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड का रूल लगाएंगे, तो यहां से ए वेक्टर को क्रॉस को छोड़कर सेकेंड वाले का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव बी क्रॉस सी इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का डेरिवेटिव होगा पहले डी वेक्टर बाय डी टी क्रॉस किसके साथ है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ है, ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको फर्स्ट सेकेंड से ओपन करना है, फर्स्ट सेकेंड से डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी सी वेक्टर क्रॉस रहेगा, यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बी वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। आप ये गलती कभी मत करिएगा कि सी वेक्टर को आप आगे लिख दे, ठीक है, अगर सी वेक्टर को जैसे ही आप आगे वैल्यू लिखेंगे ये पूरा क्वेश्चन आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखे तो अगर ए क्रॉस बी आपको है और उसको हम लोग क्या बी क्रॉस सी नहीं बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके भी दिखाई है आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हर जगह आपका यूज होता है कि अगर कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने कल वाले भी पिछले क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यों आपका ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, वहां पे डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि उसका डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप होता है, तो साइन पूरा आपका वैल्यू तो मैच करेगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों का चेंज होता है, इसलिए ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक, ये हो गया।
अब यहाँ पे ए क्रॉस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस क्रॉस डीसी वेक्टर बाय डीटी प्लस ए क्रॉस डीबी वेक्टर बाय डीटी क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ पे जो आपका लास्ट टर्म था इसको इसी तरीके से लिखना था, डीए बाय डीटी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर बाय डीटी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपका पूरा फॉर्मूला जो है आप यहां से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है सेम वही वैल्यू यहाँ पे भी हमारी निकल के आ गई, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन डेरिवेटिव आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको अगर ट्रिपल प्रोडक्ट का डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछेगा, क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो यहां से क्वेश्चन आप अप्लाई करके क्वेश्चन में अगर ये वाला पार्ट आपको दे दिया और प्रूफ करना है कि इधर वाला आपको शो करना है कि ये इसके बराबर है, तो आराम से इस वाले जो दोनों क्वेश्चन मैंने बताया है ये क्वेश्चन से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यही थे इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स थे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इस क्लास में कवर करवा दिया। अब जब भी अगले क्लास में मैं मिलूंगा तो उसमें बात करूंगा आपके डेल ऑपरेटर के बारे में, बात करूंगा वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड के बाद डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर के बाद ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में अब आगे आने वाले क्लासेस में बात होगी, ठीक है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये था आपका डेरिवेटिव वाला जितना भी आपका जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजें मैंने यहां तक आपको कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब एक और चीज, जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन कोर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ये कोर्स हमारे इस DNS एजुकेयर ऐप पे चला जाता है, और इस कोर्स की जो प्राइस है वो आपका इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, कितने में, मात्र 1200, लगभग 1200 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर का कोई भी आपका कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप परचेज करेंगे तो मात्र आपको लगभग 1200 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक। तो कोर्स फीचर क्या रहेगा, आपको लाइव और डाउट क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मोस्टली आपके रिकॉर्डेड लेक्चर ही रहते हैं। जो भी बच्चों के डाउट रहते हैं, अगर ज्यादा बच्चों के एक ही डाउट है तो उनके लिए हम लोग लाइव क्लासेस भी अरेंजमेंट करवाते हैं, प्लस जो भी मैंने इस क्लास में जो भी नोट्स लिखा, जो अभी ब्लैक बोर्ड पे मैंने चीजें समझाई हैं, उसका सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और लास्ट में आपको PYQ भी सॉल्व किया जाता है। इस ये यूनिट जैसे ही एंड होता है वहां पे आपको PYQ भी सॉल्व किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे ये यूनिट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक पे हमको ज्यादा एग्जाम में पढ़ के ही जाना है, और वो टॉपिक क्या होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं वो टॉपिक आगे चलकर भी आपको काम देते हैं। तो ये चीज था, ठीक है। तो यही कोर्स फीचर है हमारे कोर्स का, हमारे इस DNS एजुकेयर ऐप, अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर हाँ, इस कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो जब तक आप फर्स्ट सेम का एग्जाम पूरी कंप्लीटली या थर्ड सेम का एग्जाम पूरी कंप्लीटली दे नहीं देते तब तक आपके पास इसकी वैलिडिटी कंप्लीटली अवेलेबल रहेगी। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कि ग्रेडियंट, कर्ल और इन सभी के बारे में, इनको क्या होता है, इनका डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीजें अब अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।